तो जो हमारा HMT है बहुत ही खास ट्रैक्टर होने वाला है। सो गाइस, हम HMT के साथ बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो यहाँ पर शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो हमारा HMT है वो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस दे पा रहा है। ओके सो गाइस, फाइनली हमको दिखाई दे रहा है सामने से बहुत ही बड़ा पुल, तो उसी के ऊपर अपन इसको यहाँ पर लेके चलते हैं। तो जैसे हम यहाँ से इसको लेके चलते हैं तो यहाँ से पूरा कूद कर यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा इसको फिर से ले लेता हूँ। तो कोई नहीं, यहाँ से ये थोड़ा रिस्की हो जाता है इसलिए हम इसको सीधा नीचे लेकर चलते हैं गाइज। तो सामने हम इसको थोड़ा इधर किस तरफ लेकर चलते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो कि सामने बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर कंटेनर बने हुए हैं। तो मैं इस वाले कंटेनर पर लेकर इसको सामने पूरी स्पीड के साथ यहाँ से चढ़ा देता हूँ। तो जैसे ही हमारा ट्रैक्टर यहाँ पर चढ़ता है तो पूरा देख सकते हो कि पूरा हमारा जो ट्रैक्टर है पूरा इसके हवा टाइट हो जाती है और पूरा ये सामने से पूरा खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ से ये नहीं चढ़ पाता है। सो ये वापिस ही फिर से उतर जाता है, लेकिन हम ट्राई करेंगे इसको फिर से चढ़ाने की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चढ़ पाएगा। तो इसको फिर से हम पूरी स्पीड के साथ यहाँ से इसको चढ़ाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इस बार चढ़ता है कि नहीं। और अगर नहीं चढ़ता है तो गाइस इस ट्रैक्टर के अंदर हम मानेंगे कि इसके अंदर पावर बहुत ही कम है, लेकिन लेकिन इसमें हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसमें बहुत ही कम पावर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कितना अच्छा खासा यहाँ पर ये यहाँ पर गाइस ये थोड़ा अटक चुका है। तो पता नहीं इसका क्या ही रीज़न होगा जिसकी वजह से ये अटका है। तो कोई नहीं, इसको यहाँ से रोक देते हैं और वापस नीचे उतार लेते हैं। तो सामने देख सकते हो बहुत ही बड़े बड़े कंटेनर्स बने हुए हैं।